इसके पीछे सीयूईटी का बड़ा योगदान रहा। अब कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये बात थी कि मैं पेपर की तैयारी अच्छी कर लेता हूँ ताकि आने वाले समय में कई विषयों से नेट ऐसा हो सके तो मैं निकाल लूंगा, अब तो नहीं भरूंगा लेकिन। और एक बात और कह रहे थे कि जो पेपर वन के अंदर कोई 50 में से 42 43 क्वेश्चन भी ठीक कर सकता है, आपने कहा था। हाँ, तो वो कैसे? 50 में से 42 सवाल बहुत आराम से ठीक किए जा सकते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और नया पॉडकास्ट, और इसके अंदर भी हमें लेकर के आया हूँ जिन्होंने JRF निकाला है केवल कुछ ही समय की तैयारी में। और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको अपने आज के गेस्ट शिवम से। तो कैसे हैं शिवम जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो आप हिंदी से है भी नहीं, और उसके बावजूद अभी भी अपने प्रवेश लिए एकदम नए हैं, उसके बावजूद आते ही आपने इतना बड़ा बम फोड़ दिया कि JRF कर लिया केवल 1.5-2 महीने की तैयारी में। और जो इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त करी हिंदी के बैकग्राउंड ना होते हुए भी, तो कैसे इतनी जल्दी आपने JRF निकाला? क्या रही थी तैयारी आपकी जिसकी वजह से निकल गया? पहली बात तो मैं हिंदी का हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी का नहीं हूँ या हिंदी का नहीं था, मैं था हिंदी का। हाँ, ये ग्रेजुएशन में मैं हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है। पहले पढ़ते थे मतलब? हाँ, उसके पहले मतलब मैं हिंदी पट्टी से ही आता हूँ, और मैं ऐसा कतई नहीं स्वीकार करना चाहूंगा कि मैं हिंदी का कभी नहीं रहा, मैं सर्वथा हिंदी का ही रहा। ठीक है, इसी नाते पढ़ा स्नातक में आने के बाद मुझे हिंदी विषय लेना पड़ा, या हिंदी विषय ने मुझे जकड़ लिया या अपनी गोद में बैठा लिया, जो भी। तो हिंदी का तो रहा। अब ये जो आपको प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा और फिर हिंदी जो है से MA में एडमिशन लेते ही नेट निकाल लिया, इसके पीछे CUET का बड़ा योगदान रहा। CUET की जो इस बार तैयारी हुई, जो लोग जानते हैं उनको ये भी पता है कि ये परीक्षा जो थी इस साल की 2023 में जो एडमिशन की परीक्षा हुई थी थोड़ी जटिल थी, उसकी तैयारी करने के क्रम में भी ऐसी तैयारी हो गई थी कि लगभग ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही पेपर रहता है, तो इस नाते सुविधा वहां से जो है काफी हो गई थी। इससे पहले भी मैंने प्रीतम के साथ किया था, तो वो प्रीतम भी कह रहा था कि जो हमने तैयारी करी थी ग्रेजुएशन में, क्या कहते हैं, जो हमने तैयारी करी थी MA में एडमिशन लेने के लिए CUET, उसने बहुत मदद करी है। तो चार यूनिट तो वहीं से कवर हो गई होगी, पेपर दो की लगभग, पेपर दो की। हाँ, है ना, बाकी थोड़ा बहुत वैसे कर लिया होगा। तो आपके पेपर वन में बहुत ही अच्छे नंबर है, लगभग 100 में से 70 नंबर है, तो इतने अच्छे नंबर आपके कैसे आए? पहले ही मैंने बता दिया कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं जब ये परीक्षा नेट का मैंने फॉर्म भरा, तो मैंने नेट का फॉर्म केवल इसलिए भरा था कि मुझे देखना था। अब कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये बात थी कि मैं पेपर की तैयारी अच्छी कर लेता हूँ ताकि आने वाले समय में कई विषयों से नेट ऐसा हो सके तो मैं निकाल लूंगा, अब तो नहीं भरूंगा लेकिन उस समय था कि शायद कई विषयों से भरूंगा और अलग अलग विषयों से नेट निकालने की मेरी इच्छा थी। तो पेपर वन अगर मजबूत रहे तो किसी को ऐसा भी दे सकते हैं, कई विषयों से आप नेट में सुविधा हो जाती है, इसलिए पेपर वन की अच्छी तैयारी उस समय मैं किया। मैंने शुरुआत में पेपर वन की तैयारी की, कम समय था लेकिन पेपर वन को पर्याप्त समय दिया। कैसे तैयार किया आपने पेपर वन? KVS मदान की एक बुक आती है, बिल्कुल पीछे मेरे पास हिंदी रहा नहीं, आपने बताया ही। हाँ, हाँ। तो अंग्रेजी में उनकी एक किताब आती है, हाँ। इंग्लिश में, तो वो KVS मदान की जो इंग्लिश मीडियम की बुक आती है उसके उसकी मदद से मैंने पढ़ाई की थी। तो बुक तो KVS मदान बहुत लोगों पर है, हाँ। आपने उसको किस तरीके से, क्योंकि समय आई थिंक 50 से 60 दिन के आसपास रहा होगा? हाँ, 50 दिन। उसके अंदर पेपर वन भी मैनेज करना, टू भी मैनेज करना, तो किस तरीके से किया था, मतलब उसको पढ़ने में कितनी एक बार रीडिंग? मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर यानी विश्वविद्यालय में अच्छा समय देता था, लाइब्रेरी में पेपर 2 पढ़ता था, घर जाकर के पेपर 1 पढ़ता था, बाद के समय में लाइब्रेरी में भी पेपर 1 पढ़ा, मतलब 10-12 दिन लगातार पेपर 1 ही पढ़ा, पेपर 2 को एक बार के लिए हाल्ट पे ही लगा दिया था। पेपर 1 खूब पढ़ा, ये खूब पढ़ा मतलब कि ये ऐसी कोई रणनीति नहीं थी लेकिन पढ़ा, बस पढ़ा उसको, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। और जहां तक मैंने सुना है, क्या कहते हैं, साइंस का बैकग्राउंड रहा है, मैथ्स वगैरह पहले से ही अच्छी थी, तो उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आई नहीं थी? हाँ, वो जो मैथ्स की बैकग्राउंड तो रहा है, तो 12वीं तक मेरे पास मैथ्स सही है, तो हाँ उसकी सुविधा मान सकते हैं। तो वो 10 ही नंबर की बात रहती है, 5 नंबर रीजनिंग के और 5 नंबर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, वो 10 में से DI के 5 अगर मान लेंगे तो 15 तो ठीक थे, वो तो 15 के 15 सवाल ठीक गए। और एक बात और कह रहे थे कि जो पेपर वन के अंदर कोई 50 में से 42-43 क्वेश्चन भी ठीक कर सकता है, आपने कहा था। हाँ, तो वो कैसे? 50 में से 42 सवाल बहुत आराम से ठीक किया जा सकते हैं। देखिए, यूनिट्स बटे हुए हैं, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो अपना पेपर है और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 10 सवाल आते हैं दोनों मिला करके, उस 10 में से 8 या 9 सही किए जा सकते हैं। DI के 5 में से 5 सही हो सकते हैं, बहुत आसान बात है। जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग के 5 सही जा सकते हैं, आपके जो है मैथ्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 5 सही जाते हैं, हायर एजुकेशन और इन्वॉल्वमेंट में एक एक सवाल मान लीजिए गलत हो जाएगा, 4 ही तो गलत हुए 50 में से।
अभी 45 बचे हैं, 46 बचे हैं, मैंने तो 42 बोल दिया था। तो क्योंकि अगर आप ये मान के चलेंगे कि एक यूनिट में एक सवाल छोड़ूंगा तो कितने हुए, 45 सवाल हुए, हो गया ना, तभी 45 सवाल, दो तीन और मान लीजिए 42 सवाल सही कर सकते हैं, 42 सही कर सकते हैं। उसमें भी DI वगैरह में 5 ही 5 सही होंगे आपके, कुछ यूनिट्स में 2 गलत हो जाएंगे, वो मैनेज हो जाएगा आपका। अगर 4 का एवरेज आप लेके चलेंगे 5 में से 4 का तो भी जो है हो जाएगा, हो जाएगा 40 सवाल सही। बात पेपर दो के ऊपर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेपर दो के अंदर काफी कुछ लगा पड़ा है हिंदी साहित्य के अंदर, तो उसको कवर करने में लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, तो आपने किस तरीके से इतने कम टाइम में उनको कवर किया? एक बात यह है कि नेट जैसी परीक्षाएं उसी विषय में देनी चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। तो यदि आपकी रुचि है तो उपन्यास वगैरह क्या है कि हिंदी साहित्य जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में आके, तो मैंने सबसे पहले उपन्यास ही पढ़े थे, गोदान जैसे उपन्यास। गोदान तो पढ़ा ही हुआ था, महिला अचल पढ़ा ही हुआ था। अच्छा। यही उपन्यास ही तो बड़े हैं, 400 पन्ने की गोदान मानी जाती है, 450 का महिला अचल, यही बड़ा है ना, ये तो कवर था ही, तो करना क्या है, तो नेट उसी विषय में इसमें रुचि हो तो बस वहां कवर हो गया। हिंदी बेशक आपने हिंदी लेकर के नहीं पढ़ रहे थे पर लेकिन हिंदी से लगाओ पहले से, मैंने कहा मैं ऐसा कतई नहीं कह सकता कि मैं हिंदी का कभी नहीं रहा, मैं हिंदी का ही था, तो ये तैयारी है, थोड़ी तैयारी मानी जा सकती है, आ गया उसमें भी है, आ गया, क्योंकि सिलेबस बहुत ऐसा ही है, सामान्य उपन्यास ही लगे हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत कृष्ट उपन्यास नहीं लगे हैं। मैंने तो चित्रलेखा भी पढ़ी है भगवती चरण वर्मा की, वो भी ग्रेजुएशन में, लेकिन वो नेट सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन आमतौर पर जब हिंदी साहित्य किसी से आप पूछेंगे सीनियर से कि मुझे हिंदी साहित्य 4-5 उपन्यास पढ़ने हैं, तो चित्रलेखा सजेस्ट करता है, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, फिर बाद में मैंने यहाँ पढ़ लिया हो गया। तो नाटक कहानी यानी इस यूनिट 6 से लेकर के जो 10 तक थी, हाँ, उसमें से उपन्यास की तो आपने बताया कि कुछ वैसे पढ़ लिए थे, बाकी जो है उसमें से कौन कौन से थे जो आपने बीच में पढ़े थे? अभी बीच में मैंने पढ़े थे अन्य गद्य विधाओं में संस्मरण वगैरह पढ़े थे, संस्मरण छोटे छोटे थे, जो छोटे छोटे नाटक पढ़े थे, जो मतलब एक दिन में 2-3 नाटक पढ़े जा सकते हैं, एक और द्रोणाचार्य जैसे नाटक आप 50 मिनट में पढ़ सकते हैं, ऐसे नाटक जो है आधे अधूरे जैसे नाटक, अंधा युग जैसा गीति नाट्य, वो भी आप 1-1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो ये हमने ऐसा जो है तो ये इस तरीके से किया है। और जल्दीबाजी में कवर किया गया सिलेबस था कुल मिलाकर, ये इस बार वाली परीक्षा मैंने पता ही पेपर 2 के लिए मैंने दिया भी नहीं था, जल्दीबाजी में सिलेबस कवर किया क्योंकि पेपर फॉर्म भर दिया गया था इसलिए। तो आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था या कुछ रह गया था पेपर 2 में या 1 में? काफी कुछ रहा होगा, बच गया होगा। पेपर 1 में ऐसा कुछ नहीं था जो रह गया था, पेपर 1 तो लगभग तैयार था, पूरा तैयार था, लगभग मतलब तैयारी में कुछ कमियां थी लेकिन ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ा गया हो, पढ़ा सब गया था। कमियां कहाँ रह गई मन में फिर? पेपर में कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ आपको चीजें याद करनी होती हैं, मेमोराइज करनी होती है, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बैठ करके चीजें फ्लो चार्ट बनाता और याद करता। किसमें? तो बेसिकली जैसे एनवायरनमेंट वगैरह में ना, एनवायरनमेंट में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, रीजनिंग में आता है एक फैलेसीज वाला टॉपिक, ये सब टॉपिक्स जो होते हैं याद करने, ये चीजें याद कर, रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में चीजें याद करनी होती हैं आपको, थ्योरी किसने दी है ठीक है, ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको मॉडल्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये समस्या बन रहा था। और 2 में क्या क्या रह गया था? पेपर टू में एक तो शुरू के 4 जो यूनिट हैं, शुरू के 4 वो CUET के भरोसे मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि रामचंद्र शुक्ल को या उन 4 टॉपिक को गोविंद पांडे से ही दोबारा पढ़ता, मेरे पास इतना समय नहीं था, ठीक, तो उसको मैंने छोड़ दिया था ईश्वर के भरोसे या CUET की तैयारी के भरोसे। उसके बाद जो अंतिम के टॉपिक आते हैं जिसमें आपके उपन्यास वगैरह हैं, इसमें मैंने बताया ही टेक्स्ट वगैरह जो है थोड़ा छोड़े थे, हाँ बिल्कुल छोड़ा था। कौन कौन से? जैसे उपन्यासों में लगभग सभी उपन्यास पूरे हो गए थे, धरती धन अपना जगदीश चंद्र माथुर का, ये उपन्यास में रहता है अभी भी रहता है अभी भी रहता ये उपन्यास में अभी भी रहता है, बाकी सब लगभग पढ़ लिए, उपन्यास सारे खत्म हो गए थे, निबंध मेरे टेक्स्ट वाई टेक्स्ट चले गए थे सारे, मतलब टेक्स्ट वाई टेक्स्ट जैसे कभी पढ़ा था तो उसको दोबारा नहीं पढ़ा उसको बस वो देख लिया रिवीजन थोड़ा सा, उसका जो है दृष्टि की बुक जो आती है पेपर 2 की उसमें से उसको देख लिया, दोबारा नहीं पढ़ा गोदान, दोबारा नहीं पढ़ा महिला आंचल, दोबारा नहीं पढ़ा। अच्छा एक आश्चर्य की बात यह है कि झूठा सच मैंने दोबारा नहीं पढ़ा झूठा सच इतना बड़ा उपन्यास ध्यान में है, अच्छा उसका एक प्रश्न भी मुझसे गलत हो गया इसलिए उसको दोबारा पढ़ जाना चाहिए था, तो ऐसा रहता है, दोबारा नहीं पढ़ा लेकिन कभी पढ़ा था तो ये मान लिया कि पढ़ा है और आगे बढ़ गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट मेरा कवर था लगभग, निबंध कहानी सब कवर था, हाँ। लगभग तभी हो गया, हाँ। अब अंतिम और लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, हाँ। कि जो लोग जून में देने वाले हैं, ठीक है, उनके पास 2 समस्या भी आ रही है, हाँ। एक तो सिलेबस आया नहीं है, हाँ। दूसरा अगर सिलेबस आ भी जाता तो मतलब किस तरीके से वो तैयारी करे इस समय, आपको जो बेस्ट लगता हो वो?
अगर आप रहते तो क्या करते इनकी जगह, जैसे सिलेबस नहीं आ रहा अभी और तैयारी भी करनी है जून के लिए, समय तो बीत रहा है, तो क्या रहे बेस्ट स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, इसका उत्तर बहुत विस्तार से जाएगा जी दी, बहुत टाइम मैंने पहले ही बताया था कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं या जिसमें आप नेट देना चाहते हैं यानी पढ़ाना चाहते हैं, प्राध्यापक बनना चाहते हैं, वो रुचि का हो, उससे साथ आपको जीवन बिताना है या कम से कम पीएचडी तो करनी है 5-6 साल, तो रुचि का हो पहली बात रुचि। दूसरा आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करता है। जब हम लोग नेट की तैयारी शुरू किए थे विश्वविद्यालय में अक्टूबर में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर के लगभग मध्य से तैयारी शुरू कर, दिसंबर में पेपर थे, तो तैयारी शुरू नहीं की, हम लोग क्लास कर रहे थे, आमतौर पर क्लासेस होती हैं, कभी ऐसा होता है क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं लाइब्रेरी चले गए, 2-4 मित्र साथ में लाइब्रेरी गए, सब लाइब्रेरी में जाकर के बैठ गए, अब क्या करें कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो कुछ कुछ पढ़ने लगे, ऐसे कुछ कुछ पढ़ा 2-3 दिन, रोज 2-3 घंटों के लिए कुछ कुछ पढ़ा, फिर तय हुआ कि अब क्या करें कुछ पढ़ें, जब 3 घंटे रोज यदि पढ़ा जा रहा है तो कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो नेट का सिलेबस पढ़ेंगे। नेट का सिलेबस किस लिए पढ़ेंगे? जून में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए नेट का सिलेबस पढ़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया। तो 3-4 अपने मित्र हैं, हमने तय किया कि नेट का सिलेबस जून के लिए सब लोग बैठ करके पढ़ेंगे। सबने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई शुरू की तो सबको लगा कि अगर जून में देना ही है, जून वाला निकालना ही है, दिसंबर का ध्यान में नहीं किसी को, अगर जून वाला निकालना ही है तो दिसंबर वाला फॉर्म भरा जा सकता है। बहुत अंत में जाकर के सभी ने दिसंबर वाला फॉर्म भर दिया। किसी का मन नहीं था, किसी का था कि फीस ज्यादा है पैसे बचा लेते हैं क्योंकि निकलना तो है नहीं, किसी को भरना नहीं था, लेकिन भर दिया। जब फॉर्म भर दिया गया लगभग नवंबर के मध्य में, दिवाली के कुछ दिन पहले जब फॉर्म भर दिया गया, तब तय किया गया अब जो है तैयारी करेंगे इस वाले के लिए, क्योंकि फॉर्म भर दिया है 500, 600, 1000 का फॉर्म जो है अब भर दिया है, अब इस वाले के लिए भी तैयारी करेंगे। उसके बाद मैंने पेपर वन पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पेपर वन किताब ले आया केवीएस मैदान, उसके बाद उस 500-600 रुपये बचाने के लिए या 1000 रुपये बचाने के लिए फिर 600 की किताब ले आया, ताकि क्योंकि आगे भी जून में काम ही आना था। सही बात है, वो तो काम आएगा, काम ही आना था, तो इसके लिए पढ़ना हमने शुरू किया। तो ये जो अपना इन्वॉल्वमेंट है ना, ये बड़ा जरूरी है। आप जब तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके पास 4 लोग होने चाहिए। ग्रेजुएशन में जब मैं पढ़ा करता था, मैंने बताया ना उसका बड़ा योगदान है बिल्कुल इसमें निकलने में, जब मैं पढ़ा करता मेरे पास 2 मित्र थे, वो 2 मित्र घर से भोजन ले आते थे ताकि मैं दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ पाऊँ। क्या बात है, वापस मुझे रूम पे ना जाना पड़े, कॉलेज से रूम दूर था मेरा, कॉलेज में कैंटीन में ऐसा भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो वापस मुझे रूम पे जाकर भोजन बनाना हो फिर आके क्लास लेनी हो, लाइब्रेरी मेरा दोपहर बीती उसके लिए घर से भोजन ले आते थे, दोनों दिल्ली के थे, और वो 2 लड़के मेरे दोनों लाइब्रेरी में दोनों बगल बैठ के फोन चलाते थे, पढ़ते नहीं थे लेकिन लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, वहाँ फोन चलाने में समस्या भी होती है, टोका भी आता है, लेकिन वो बैठे रहते थे, कोई किताब खोल के कोई मोबाइल खोल के, लेकिन बैठते थे दिन में 3 घंटे मेरे लिए वो वहाँ लाइब्रेरी में बैठते थे, यहाँ मेरे मित्र हम लोग दिन में 4 घंटे यहाँ बैठते थे, उसी का परिणाम है। तो एक इन्वॉल्वमेंट, दूसरी रुचि। आपको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए, दबाव में पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेपर वन में भी यही बात, में रुचि ही विकसित की मैंने। पर लोग पता है क्या करते हैं, लोग बस निकालने के लिए पढ़ रहे होते हैं कि बस निकलने भर का हो जाए, रुचि के लिए नहीं पढ़ रहे होते, कह रहे रुचि के लिए कौन पढ़ता है, निकालने के तो जून निकालने के लिए पढ़ रहे थे, रुचि की वजह से जल्दी कवर हो गया ना सिलेबस। हाँ, पर सहायता रुचि नहीं करी है, अच्छा लग रहा था इसलिए सिलेबस जल्दी कवर हो गया, निकालना तो जून में था ना। निकालने के लिए पढ़ते तो सिलेबस को इस तरीके से पढ़ते कि किताबों को दोबारा पढ़ते, नोट्स बनाते, उसमें जो हाईलाइट करते, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके बढ़िया से एकदम नोट्स बना करके याद करते, जून के लिए रखते। ये तो रुचि थी, इसलिए कहा कि पहले एक बार पढ़ जाते हैं फिर नोट्स बनाए जाएंगे। तो ये कारण हो सकता है जिन लोगों का नहीं निकलता है, क्योंकि वो रुचि से नहीं पढ़ते हैं, केवल ऐसे ही पढ़ रहे होते कि बन जाए बस। जो लोग हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किए हैं, एक तरह की ऊब मुझे दिखाई देती है उनके अंदर हिंदी साहित्य, वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा खींच जाते हैं, उनको थकावट महसूस होती है हिंदी साहित्य पढ़ने में। तो जब आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में थकावट महसूस हो रही है, तो इसमें भविष्य के बारे में एक बार आपको सोचना पड़ेगा, एक बार फिर से अपनी रुचि, आपने लिया है तो रुचि तो होगी ही, उसको फिर से जगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मन लगा करके। दो बातें आपने बता दी, एनवायरनमेंट, रुचि, और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, रुचि हो और अच्छे मित्र हो, अच्छे मित्र अगर आपको होंगे तो आपसे मतलब इतना अच्छे मित्र होंगे तो रुचि अपने आप विकसित हो जाएगी, और रुचि होगी तो ऐसे अपने मित्र अपने आप बन जाएंगे, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, फिर चीजें हो जाएंगी। तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, आपने जीआरएफ निकाल लिया है, अब तो आगे क्या प्लान सोच रहे हैं करने की? मैंने पहले बताया, मैं पहले भ्रम में था कि कई विषयों से नेट निकालूंगा, लेकिन अब हिंदी बहुत है मेरे लिए, हिंदी का शरण मुझे प्राप्त हो गया है, तो अब हिंदी में ही रहना है, तो इसलिए अब आगे की तैयारी ये है कि पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब नेट की तैयारी कर रहा था तो कुछ सीनियर प्राध्यापक है हमारे परिचय में, उन्होंने कहा था कि आप अभी पढ़िए नेट, आप उनसे मैं अच्छा परिचय है, मुझे जानते हैं, उन्होंने कहा था कि नेट आप निकाल लेंगे, आप अभी पढ़िए आप, क्योंकि आप सेमेस्टर की पढ़ाई अपनी खराब कर रहे हैं। जब मैंने जेएस निकाल लिया तब मैं जब उनके पास गया फिर उन्होंने यही बात बोली कि अब आपका जेएस निकल गया है अब आप पढ़िए। तो मुझे भी भरसक की बात पता है कि हिंदी अभी मुझे बहुत पढ़नी है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता है मुझे, तो अब मैं पढ़ूंगा। अब मैं जो सिलेबस लगा हुआ है एमए में वो पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन में जो सिलेबस लगा हुआ है जो मुझसे छूटा रह गया है वो पढ़ूंगा, और भी अगर चीजें ऐसे समझ में आती हैं तो अब पढ़ूंगा, बस हिंदी ही पढ़ूंगा, लेकिन डेढ़ साल दो साल का जो समय है उसमें हिंदी पढ़ूंगा। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदी के प्रति रुचि होने की वजह से इनका जो जेआरएफ था वो काफी कम समय में निकल गया। तो आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं लोगों को भी पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं मिलता हूं अगले पॉडकास्ट में।